हेलो गाइस, मैं पायल। वेलकम टू डीएनडी न्यूज। हर एक दिन की नई खबरें पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए। दोस्तों, तृणमूल कांग्रेस की सांसद और बंगाली अभिनेत्री नुसरत जहां अपने पति निखिल जैन से अलग होने की खबरों को लेकर चर्चा में है। नुसरत ने एक बयान जारी कर निखिल से अलग रहने वाली बात का खुलासा कर दिया, साथ ही उन पर गंभीर आरोप भी लगाए। अब उन्होंने अपने इंस्टा और ट्विटर अकाउंट से अपनी शादी की सभी तस्वीरें डिलीट कर दी। नुसरत जहां और बिजनेसमैन निखिल जैन की शादी साल 2019 की सबसे चर्चित शादियों में से एक थी। दोनों की शादी की फोटो सोशल मीडिया पर खूब वायरल भी हुई थी। अब नुसरत ने निखिल जैन के साथ तुर्की में हुई शादी की सारी तस्वीरें अपने इंस्टा अकाउंट से डिलीट कर दी। नुसरत ने 2019 में शादी की थी, लेकिन बुधवार को नुसरत ने एक बयान जारी कर अपनी शादी को ही अवैध करार दे दिया। दोनों करीब 6 महीने से एक दूसरे से अलग रह रहे हैं। नुसरत ने अपनी एक फोटो शेयर कर लिखा है, मैं उस औरत को याद नहीं करना चाहती जो अपना मुंह बंद रखती थी, मैं ऐसे ही खुश हूँ। हाल ही में नुसरत जहां के प्रेगनेंसी की खबरें सामने आई थी, जिस पर निखिल ने कहा था कि उन्हें नुसरत के गर्भवती होने की जानकारी नहीं है, अगर ऐसा है तो वो बच्चा उनका नहीं है। नुसरत जहां ने कहा कि निखिल जैन संग उनकी शादी मान्य नहीं है, इसलिए तलाक लेने का सवाल ही नहीं उठता। नुसरत ने एक बयान में कहा है कि एक विदेशी भूमि पर होने के कारण तुर्की मैरिज रेगुलेशन के अनुसार हमारी शादी अमान्य है। इसके अलावा क्योंकि ये दो धर्मों के लोगों के बीच में हुई शादी थी, इसलिए इसे भारत में से वैधानिक मान्यता देने की जरूरत थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, इसलिए तलाक का सवाल ही नहीं उठता। कानूनी तौर पर यह शादी वैलिड नहीं है, बल्कि एक लिव इन रिलेशनशिप है। इतना ही नहीं, नुसरत ने निखिल पर पैसों के हेर फेर का भी आरोप लगाया। नुसरत ने कहा कि निखिल ने उनकी जानकारी के बिना ही उनके अकाउंट से पैसे निकाले हैं। खुद को रईस बताकर रात के किसी भी समय गैर कानूनी रूप से उसने मेरे बैंक अकाउंट से पैसे लिए। हम दोनों के अलग होने के बाद भी ये जारी है। नुसरत ने आगे कहा, हम बहुत पहले ही अलग हो गए थे। मैं अपनी प्राइवेट लाइफ को अपने तक ही सीमित रखना चाहती थी। जो कुछ भी मेरा था अभी भी उसके पास है। मुझे बताने में दुख हो रहा है कि मेरी पुश्तैनी गहने जो मेरे परिवार वालों ने मुझे तोहफे में दिए थे, वो सब निखिल के पास हैं। बता दें कि 19 जून 2019 को नुसरत जहां और निखिल जैन शादी के बंधन में बंधे। उससे पहले दोनों ने एक दूसरे को डेट किया। शादी की रस्में तुर्की में हुई, जहां परिवार और दोस्त ही मौजूद रहे। बाद में कपल ने कोलकाता में एक रिसेप्शन का आयोजन किया था। इस रिसेप्शन में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी पहुंची थी।